फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग 8 क्लास का मैथ सॉल्व करेंगे जो जेसीईआरटी रांची झारखंड टेस्ट बुक पर बेस्ड है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 5.1। क्वेश्चन है, देखिए, प्रत्येक प्रश्न में प्रयुक्त अक्षरों का मान कारण सहित निकालिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिया हुआ है, इसमें जो अक्षर है जैसे पी है इसमें, ठीक ना, और क्यू है, पी और क्यू का इसमें मान निकालना है हम लोग को और साथ में कारण भी देना है। तो हम लोग जो इधर रफ करेंगे वही इसका कारण हो जाएगा, ठीक ना। इधर हम लोग रफ करेंगे, रफ को हम लोग कारण में ले लेंगे। देखिए, पहला नंबर का सवाल है, पी जोड़ पी जोड़ पी बराबर क्यू पी। यहाँ पर देखिए, कौन सा संख्या रखे जिसको तीन बार जोड़ने से इकाई में वही संख्या आता है, ठीक ना। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर रफ कर रहे हैं और यही हमारा कारण हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग अगर एक लेते हैं, एक जोड़ एक जोड़ एक, अगर तीनों को जोड़ते हैं तो तीन आ रहा है, ठीक ना। यहाँ पर भी एक आना चाहिए। अगर हम लोग दो जोड़ते हैं, दो जोड़ दो जोड़ दो, तो यहाँ पर छ हो रहा है, बल्कि यहाँ पर दो ही आना चाहिए। जो संख्या को तीन बार जोड़ेंगे यहाँ पर वही संख्या मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए, पी पी यहाँ पर भी पी है। इसी प्रकार हम लोग अगर अभी चार करते हैं, चार जोड़ चार जोड़ चार, ठीक ना, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा। देखिए, तो यहाँ पर चार आना चाहिए इकाई में, चार, ठीक ना, लेकिन अभी दो आया है। उसी तरह हम लोग पांच को करके देखते हैं, यहाँ पर पांच जोड़ पांच जोड़ पांच। देखिए, पांच को पांच से फिर पांच को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। अब देखिए, यहाँ पर पांच है, पांच है, यहाँ पर भी पांच है और 15 का इकाई में भी पांच है। तो इस तरह हमारा आंसर हो जाएगा पी बराबर पांच, ठीक ना। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए, पांच जोड़ पांच जोड़ पांच बराबर कितना होता है, इकाई में पांच ही आता है, फिर दहाई में एक, तो 15 हो गया। तो इस प्रकार पी बराबर हो जाएगा पांच और क्यू बराबर, यहाँ पर क्यू का मान देखिए, यहाँ पर क्यू है और क्यू के स्थान पर एक है, तो क्यू का मान एक हो जाएगा। इस तरह पी बराबर पांच, क्यू बराबर एक, ये दोनों हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला नंबर, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर में है, तीन एक ए को जोड़ेंगे हम लोग, एक ए तीन से, तो मिलेगा 501, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग देखिए, यहाँ पर इकाई को देखेंगे, सबका इकाई को देखेंगे, बस इकाई को लेकर अभी हमारा मैथ बन जाएगा। यहाँ पर है ए में हम लोग तीन, यहाँ पर देखिए जोड़ है, ठीक ना, तो यहाँ पर हम लोग को जोड़ना ही है, जोड़ेंगे तो एक मिलना चाहिए। अब देखिए, तीन में हम लोग कुछ भी जोड़े एक तो नहीं मिलेगा, क्योंकि एक जो है तीन से छोटा है और जो भी मिलेगा तीन से बड़ा ही होगा। तो यहाँ पर या तो हमको 11 मिलेगा, या तो 21 या 31, इस तरीके से मिलेगा हमें। तो देखिए, यहाँ पर 21 तो कुछ ज्यादा ही बड़ा हो जा रहा है, इसलिए इसको कैंसिल कर देंगे, हमारे पास 11 है, ठीक ना। तो देखिए, किसमें हम लोग तीन जोड़ेंगे तो 11 मिलेगा, ठीक ना। तो हम लोग इसको पता करने के लिए एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। देखिए, अगर हम लोग के पास पांच है, पांच में हम लोग दो जोड़ते हैं तो हम लोग को मिलता है 7। तो हम लोग अगर देखिए, इसी को दूसरे तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। यहां पर देखिए, नीचे जो 7 है उसको ऊपर लिखेंगे, फिर 2 को माइनस कर देंगे तो कितना मिलेगा, 5। और ये जो 5 है वही 5 यहां पर भी है, ठीक ना, ये दोनों सेम सेम हो जाएगा। तो उसी तरह हम लोग को 11 चाहिए, ठीक ना। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, 11 में 3 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा 8। तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। अब देखिए, हम लोग यहाँ पर करते हैं, 8 में अगर 3 जोड़ देते हैं तो कितना मिलता है, 11। और 11 का इकाई में क्या है, 1 है, तो हम लोग को 1 चाहिए था, ठीक। तो उसी प्रकार यहाँ पर ए का मान हो गया हमारा 8। चलिए, अब लिखते हैं इसको, 3 फिर 1 फिर ए के स्थान पे हम लोग लिखेंगे 8, उसके बाद फिर 3, फिर यहाँ पर देखिए फिर से ए है, ए मतलब यहाँ पर फिर से 8 लिखेंगे, ठीक ना। अभी यहाँ पर 8 लिखे हैं, अगर वैल्यू अगर 0 आता है नीचे यहाँ पर जोड़ने से, तो हमारा जो गणित है वो सही हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 है, जोड़ कर देखते हैं, 8 में 3 जोड़ने से 11 होता है। देखिए, 8 में 1 9, और 9 और यहाँ पर हाथ में 1 था, ठीक ना, 11 के हाथ में 1 था, उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 10, 10 का 0, फिर 3 और 1 4, 4 और 1 हाथ में था वो हो जाएगा 5। तो इस तरह देखिए 501 आ गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ए बराबर हो गया 8, यही हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं अगला, तीन नंबर। तीन नंबर का सवाल है, 45 जोड़
थ्री पी बराबर हो जाएगा क्यू दो। यहां पर क्या करेंगे देखिए, हम लोग पांच में कितना जोड़ेंगे तो दो होगा। यहां पर देखिए पांच में हम लोग कुछ भी जोड़ें, पांच से तो ज्यादा ज्यादा ही आएगा, और यहां पर दो लिखा हुआ है तो यहां पर हम लोग इसको 12 लाना पड़ेगा, ठीक ना। पांच में क्या जोड़ेंगे तो 12 आएगा, तो हम लोग इसको लिखते हैं यहां पर, जो इकाई है इतना सा इसको पूरा लिखेंगे हम लोग यहां पर, पांच जोड़ पी, यहां पर दो आना चाहिए, ठीक ना। एक्चुअल में 12 आना चाहिए यहां पर। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ऊपर किए थे यहां पर 12 में हम लोग घटा देंगे पांच, तो बच जाएगा कितना, सात। तो यहां पर हम लोग जो सात बचा है ना, यही यहां पर हो जाएगा, पी बराबर सात हो जाएगा। अब देखिए पांच में हम लोग सात जोड़ देते हैं तो कितना होता है, 12, ठीक ना। तो यहां पर 12 आ गया है, 12 का यहां पर दो, और अभी हाथ में एक है। अब देखिए यहां पर चार और तीन सात होता है, सात और एक यहां पर आठ हो जाएगा, तो क्यू का मान हो जाएगा आठ, और पी का मान, यहां पर पी का मान देखिए, यहां पर पी का मान सात है, ठीक ना, तो सात हो जाएगा। लिखते हैं इसको 45, यहां पर तीन। अब देखिए पी, पी के स्थान पर हम लोग कितना लिए थे, सात लिए थे, सात फिर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, सात और पांच 12, हाथ में एक। उसके बाद यहां पर चार और तीन जोड़ेंगे तो हो जाएगा सात, सात और एक हो जाएगा यहाँ पर आठ। इस तरह देखिए पी, पी बराबर हो गया है हमारा सात, और क्यू, क्यू बराबर हो गया है आठ। यहां पर लिखते हैं अतः पी बराबर सात और क्यू बराबर आठ, तो ये दोनों हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगला चौथा नंबर पर। चौथा नंबर का सवाल है, आठ पी को जोड़ना है 99 से, तो हमको मिलना चाहिए आर क्यू सिक्स। यहां पर देखिए यहां पर हम लोग जो इकाई है, इकाई में क्या क्या है, यहां पर पी नौ और छ इसको देखेंगे, उसके बाद पी का मान निकालेंगे। यहां पर देखिए सबसे पहले पी लिखा हुआ है नौ, इसमें जोड़ना है हम लोग को छ मिलेगा, ठीक ना। तो देखिए एक्चुअल में 9 से बड़ा ही मिलना चाहिए यहां पर, क्योंकि यहां पर हम लोग जोड़ रहे हैं, कुछ भी जोड़ेंगे तो 9 से बड़ा ही होगा या तो 9 होगा, तो यहां पर हम लोग इसको 16 ले सकते हैं, ठीक ना। 9 में हम लोग क्या जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, क्योंकि इकाई में 6 है 16 का, और यहां पर हम लोग को 6 ही लाना है। तो देखिए यहां पर 16 है, ठीक ना, तो जैसे पहले कर रहे हैं हम लोग, 16 में हम लोग 9 माइनस कर देंगे तो मिल जाएगा यहां पर कितना, सात, ठीक ना। तो पी का मान सात हो जाएगा। अब देखिए सात में हम लोग यहां पर नौ जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 16, ठीक ना। तो यहां पर देखिए छ है और यहां पर भी छ है, इकाई में छ है, इकाई हो गया है हमारा, और हाथ में भी एक बच गया है। अब देखिए आठ में अगर हम लोग नौ जोड़ देते हैं तो 17 हो जाता है, ठीक ना। 17 और एक यहां पर है, उसको जोड़ देंगे तो 18 हो जाएगा, तो क्यू का मान हो जाएगा आठ, उसके बाद यहां पर आर का मान एक। इसको चलिए लिखते हैं आठ पी, पी का मान कितना निकाले हैं यहाँ पर हम लोग, सात, हम लोग सात लिखते हैं, फिर नीचे नौ, फिर नौ, फिर जोड़ कर देखते हैं। तो यहां पर देखिए यहां पर छह पहले से लिखा हुआ है, छह लिख देंगे, क्योंकि हम लोग सात में नौ जोड़ते हैं तो 16 होता है, हाथ में एक है। अब देखिए यहां पर आठ में नौ जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा, 17 और हाथ में एक है, उसको मिला देंगे तो 18 हो जाएगा, यहां पर 18। तो यहां पर देखिए अब पी का मान हो गया है हमारा सात, उसके बाद Q का मान हो गया है आठ, और R का मान हो गया है एक, ठीक ना। तो इस तरह हम लोग लिखते हैं अतः P बराबर सात, Q बराबर, Q का मान यहाँ पर आठ, फिर R बराबर एक, ये तीनों हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगला पांचवा नंबर। पांचवा नंबर देखिए छः पी क्यू जोड़ना है उसको पी क्यू सात से, तो मिलेगा हमको 1245 मिलना चाहिए। तो यहां पर हम लोग जो इकाई अंक है इसको सबसे पहले लेते हैं, इकाई अंक में हमारा है यहां पर क्यू जोड़ सात बराबर पांच। अब देखिए यहां पर पांच है और यहां पर सात है, मतलब
साथ में हम लोग कुछ भी जोड़ेंगे, सात से तो बड़ा ही मिलेगा या सात मिलेगा, और यहाँ पर पांच लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर हम लोग को 15 लाना है, ठीक ना, 15 लाना है। तो हम लोग सात में कितना जोड़ेंगे तो 15 आएगा। एक्चुअल में यहाँ पर तो पता चल रहा है 8 जोड़ेंगे, लेकिन कैसे, तो यहाँ पर 15 में हम लोग सात माइनस कर देंगे, जैसे ऊपर किए थे यहाँ पर, और पहले भी करते आ रहे हैं, 1 2 3 4 सब में हम लोग किए हैं, उसी तरह यहाँ पर 15 में सात माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 8। तो इस तरह क्यू का मान हो जाएगा 8। 8 में हम लोग अगर सात जोड़ देते हैं तो मिलता है 15, और यहाँ पर इकाई में 5 है, और यहाँ पर भी देखिए 5 है। अब जहां जहां क्यू है, देखिए क्यू का मान 8 है, तो जहां जहां यहाँ पर क्यू है वहां वहां हम लोग 8 रख देंगे। तो इस तरफ देखेंगे तो फिर पी का मान आ जाएगा। बनाते हैं इसको, 6 है पहले, यहाँ पर 6 लिखते हैं, फिर पी है, पी को हम लोग अभी यहाँ पर पी ही लिखते हैं। चलिए फिर क्यू, क्यू का मान कितना है, 8, 8 है। उसके बाद यहाँ पर फिर से पी है, फिर क्यू का मान, यहाँ पर देखिए क्यू का मान 8 है, फिर यहाँ पर 7 है, 7 लिख देते हैं, इसको जोड़ना है। तो हमको कितना मिलना चाहिए, 5 4 2 1। यहाँ पर देखिए अभी हम लोग क्यू का मान तो निकाल लिए हैं, ठीक ना, अभी हम लोग को पी का मान निकालना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको लेंगे रफ में, पी जोड़ 8 बराबर यहाँ पर 4 है, पर यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक ना, एक्चुअल में यहाँ पर 3 होगा, जब इसको लेंगे ना हम लोग 3 होगा। देखिए 8 में हम लोग कुछ भी जोड़े, पी जोड़ेंगे तो हम लोग को 13 मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर 15 था, ठीक ना, 15 में जो एक बचा था उसको जोड़ने पर हुआ था यहाँ पर 14। तो अभी हम लोग 3 मतलब 13 को लेंगे, 8 में क्या जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं हम लोग पी जोड़ 8 बराबर 3 है, ठीक ना, ये वाला दहाई वाला सबका दहाई यहाँ पर को यहाँ पर लिखे हैं, और 4 के स्थान पर 3 लिख दिए हैं, क्योंकि हाथ में था उसको एक बार जोड़ने से हुआ था यहाँ पर 14, ठीक ना। तो ये 3 है एक्चुअल में यहाँ पर। अब देखिए 8 में हम लोग कुछ भी जोड़े, 3 तो ला नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग को 13, ठीक ना, 13 लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 में हम लोग कुछ जोड़ेंगे तो 13 हो सकता है। अब क्या जोड़ेंगे, देखिए जैसे ऊपर करते आ रहे हैं हम लोग, 13 में 8 घटा देंगे, ठीक ना, तो 5 बचेगा। तो इस तरह 5 में 8 जोड़ने से 13 होता है। यहाँ पर लिखते हैं, कारण में लिखना है इसलिए मैं इसको लिख रहा हूँ, 13 माइनस 8 बराबर यहाँ पर हो गया 5। तो इस तरह 5 हो जाएगा पी का मान, 5 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8 5 13 होता है, ठीक ना, 13। और यहाँ पर हाथ में एक था उसको जोड़कर हो गया 14। तो इस तरह यहाँ पर देखिए पी का मान 5 आ गया है और क्यू का मान 8 आ गया है। इसको यहाँ पर लिखते हैं अच्छी तरीके से, 6 फिर पी, पी के स्थान पर हम लोग 5 लिख सकते हैं, फिर देखिए क्यू, क्यू के स्थान पर यहाँ पर 8 निकाले हैं, यह है 8 का मान, और पी का मान यहाँ पर 5 है, 8, फिर यहाँ पर 7, और यहाँ पर क्यू फिर से 8 हो जाएगा, फिर पी और एक बार 5। इसको हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए 1245 मिलना चाहिए, 8 में 7 जोड़ेंगे तो 15, 15 का 5 हाथ में 1, और यहाँ पर 5 8 13, 13 और एक हाथ में था वो हो गया 14, हाथ में एक फिर से बच गया। 6 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो 11, 11 और एक 12, यहाँ पर देखिए 1245 आ गया। इस तरह अतः पहले हम लोग लिखते हैं पी का मान, पी बराबर 5 फिर क्यू बराबर 8। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं अगला, छठा नंबर पर। देखिए छठा नंबर का सवाल है, पी क्यू गुना पी 3 बराबर 57 पी होना चाहिए। एक्चुअल में यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंटिंग हो गया है, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, कहीं कहीं पर बुक में काफी मिस्टेक है, यहाँ पर पी नहीं यहाँ पर क्यू होना चाहिए। तो चलिए एक बार क्वेश्चन को सुधार कर लिखते हैं, पी क्यू गुना पी यहाँ पर 3, फिर से यहाँ पर हो जाएगा क्यू 7, फिर यहाँ पर 5। अब देखिए हम लोग इसको लेते हैं, इकाई को लेंगे, ठीक ना, तो यहाँ पर इकाई है, इसको लेना है, और अभी जोड़ना नहीं है, अभी गुना करना है। यहाँ पर लिखते हैं क्यू गुना 3 बराबर क्यू। अब देखिए 3 का पहाड़ा बोलेंगे, कई बार बोलेंगे तो
इकाई में वही संख्या आना चाहिए। जैसे कि अगर यहाँ पर हम लोग तीन का पढ़ा एक बार बोलेंगे तो यहाँ पर एक आना चाहिए, तीन का पढ़ा दो बार बोलेंगे तो यहाँ दो आना चाहिए, तीन का पढ़ा तीन बार बोलेंगे तो यहाँ पर तीन आना चाहिए, तीन का पढ़ा चार बार बोलेंगे तो चार आना चाहिए, तीन चौके 12 होता है, ठीक ना। 12 में तो चार नहीं है, और देखिए 3 5 15, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 लिख दिए और यहाँ पर 3 लिख दिए, 3 5 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्यू है, यहाँ पर भी क्यू है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 15 लिख देते हैं पूरा पहले, यहाँ पर 5 है और इकाई में यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर हमारा क्यू का मान हो गया 5। अब देखिए यहाँ पर क्यू का मान आ गया है 15, ठीक ना, क्यू का मान आ गया है 15। उसके बाद जब प्लस रहता था तब हम लोग क्या करते थे, ऐसे एक बार इसको किए फिर सेकेंड बार में दहाई को लेकर सोल्व करते थे तो पी का मान आ जाता था, लेकिन सिर्फ जोड़ में, यहाँ पर तो गुना है, ठीक ना, गुना में ऐसे ऐसे करेंगे सीधा सीधा करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अभी क्यू का मान को लिख लेते हैं, क्यू और यहाँ पर क्यू हो जाएगा हमारा 5, उसके बाद फिर यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर पी है, पी को लिख देते हैं, फिर गुना, फिर देखिए फिर से क्यू का मान यहाँ पर 5 है, फिर 7, फिर 5। अब देखिए मान आया है, इसको हम लोग अब जैसे हम लोग नॉर्मल गुना करते हैं वैसे करेंगे। नॉर्मल गुना क्या करते हैं हम लोग, अगर यहाँ पर 21 को गुना करना रहता है 13 से, तो 3 को 1 से गुना करते हैं, 3 1 3 हो जाता है, 3 2 6, उसके बाद 1 1 1, फिर 1 2 2, उसके बाद इसको सबको जोड़ देते हैं, यहाँ पर 3, यहाँ पर 7, यहाँ पर 2, कुछ इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। अभी सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर पी 5 पी 3 गुना, अब देखिए 5 को 3 से गुना करेंगे 5 तिया हो जाएगा 15, फिर 3 को P से गुना करेंगे तो 3P हो जाएगा, फिर यहाँ पर हाथ में 1 ही उसको जोड़ देंगे तो 3, यहाँ पर 3P जोड़ 1, इसी तरीके से करते हैं, इसको ब्रैकेट में डाल देंगे। अब यहाँ पर एक बार काट कूट करते हैं, उसके बाद 5 को P से गुना करेंगे तो 5P हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं 5P, उसके बाद फिर P को P से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, उसके बाद इसको हम लोग सबको जोड़ देते हैं। अब देखिए हम लोग इसको लिख देंगे 5 हो गया यहाँ पर, उसके बाद 5P और यहाँ पर 3P है, दोनों को जोड़ देंगे तो 8P हो जाएगा, 8P यहाँ पर जोड़ 1 है, जोड़ 1 लिख देते हैं, उसके बाद देखिए यहाँ पर पी स्क्वायर है, यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर। अब देखिए जो यहाँ पर जो मान है वह किसके बराबर होना चाहिए, 575 के बराबर, क्योंकि इसको हम लोग यहाँ पर सोल्व किए हैं और आया है पी स्क्वायर, 8P जोड़ 1 5, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए इकाई में 5 है और यहाँ पर भी 5 है, ठीक, और ये 5 को हम लोग को कुछ नहीं करना है, 5 सेम रहेगा, और ये हमारा हो जाएगा दहाई, ठीक ना, और ये पी स्क्वायर हो जाएगा हमारा सैकड़ा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग अब पी का मान धीरे धीरे करके रखेंगे, जैसे पहले 1 रखेंगे 2 रखेंगे 3 और देखेंगे 575 आना चाहिए। चलिए इधर फिर से रब करते हैं, हमारा है पहले पी स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर पी स्क्वायर, फिर है 8P जोड़ 1, उसके बाद है 5, ठीक ना, ये हमारा इकाई है, ये दहाई है और ये सैकड़ा है। देखिए इकाई को तो कुछ नहीं करना है, 5 है, और देखिए अगर हम लोग पी का मान 1 रखते हैं, पी का मान हम लोग अगर 1 रखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 8 गुना 1 जोड़ 1, ठीक ना, बराबर कितना आ गया, 8 1 8 और 1 9, यहाँ पर आ गया 9, और यहाँ पर देखिए 9 है नहीं है, यहाँ पर 7 है, तो इस तरह ये हमारा हो गया कैंसल, ठीक ना। अब देखेंगे पी का मान 2 रखकर देखेंगे, पी बराबर दो रखेंगे तो क्या आएगा, 8 गुना, देखिए 8 गुना पी के स्थान पर हम लोग 2 रखेंगे, 2 जोड़ 1 बराबर कितना आता है, 8 दुनी 16 16 और 1 17, यहाँ पर 17 आ गया, 17 का इकाई में 7 है और यहाँ पर भी देखिए 7 मिल गया हम लोग को, ठीक ना, इसलिए पी का मान अभी हमारे पास 2 आ गया है और ये सही है। अब देखिए हाथ में 1 है, अभी इसको मैं सर्कल कर देता हूँ, हाथ में 1 है, 1 अभी हम लोग बचा कर रखेंगे। अब देखिए सैकड़ा में, ठीक ना, सैकड़ा में पी है, यहाँ पर पी स्क्वायर है, हम लोग पी लिए थे 2, ठीक ना, तो पी का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 2 गुना 2 बराबर 4, और हाथ में 1 है उसको जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5,
ठीक ना, यहाँ पर हो जाएगा 5। इस तरह देखिए सैकड़ा में 5 है, तो इस तरह हमारा इकाई है मतलब क्यू 5 आ गया है, और देखिए पी पी 2 आ गया है। अतः लिखते हैं हम लोग यहाँ पर, अतः पी बराबर पहले यहाँ पर पी 2 आ गया है और फिर क्यू क्यू आ गया है 5, क्यू बराबर 5। आप इसको यहाँ पर सोल्व करके देख सकते हैं, आंसर सेम ही होगा, यह हो गया हमारा आंसर। आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर P है, P का मान 2 रखिए, फिर 5, फिर P का मान 2 रखिए, फिर 3, इसको आप गुना करके देखिए 575 यहाँ पर आएगा ही, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा P बराबर 2 और Q बराबर 5 आंसर। अब बढ़ते हैं अगला 7वां नंबर पर। 7वां नंबर का सवाल है 2a गुना a बराबर यहाँ पर है 12a। अब देखिए यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो हम लोग यहाँ पर a का मान क्या रखें कि s को a से ही गुना करेंगे, मतलब एक यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर भी एक रखना पड़ेगा, नीचे भी एक आएगा, एक एक का एक, एक में तो फिट हो जा रहा है, ठीक ना, लेकिन यहाँ एक दुना 2 और यहाँ पर देखिए 12 है, इसलिए एक हम लोग नहीं रखेंगे, अब देखेंगे 2 रखकर यहाँ पर लिखते हैं। देखिए एक गुना एक बराबर एक तो आ रहा है, लेकिन जब हम लोग यहाँ 2 करके देखते हैं 21, 2 एक 2 यहाँ पर 21 आ रहा है, बल्कि यहाँ पर है 12a, तो ये एक हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब 2 रखकर देखते हैं, 2 गुना 2 नीचे 4 आ रहा है, 2 तो नहीं आ रहा है, उसी तरह हम लोग 3 3 9 9 हो जाएगा, 4 4 16 5 5 25, ठीक ना, 5 5 25 हो सकता है। यहाँ पर देखते हैं 5 को अगर हम लोग 5 से गुना करते हैं तो कितना आएगा, 25 का 5 हाथ में 2, फिर यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, उसको लिख दिए 5 दुना 10 और 2 जोड़ेंगे तो 12। यहाँ पर देखिए 5 रखने पर 125 आ जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं a बराबर हो जाएगा 5 5, फिर गुना करेंगे तो नीचे भी 5, अब देखिए 5 5 25, फिर 5 दुना 10 और 2 हाथ में था, उसको जोड़ देंगे तो 12। इस तरह a बराबर हो गया 12, यहाँ पर लिखते हैं a बराबर 5, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए अगला 8वां नंबर। 8वां नंबर का सवाल है पी क्यू गुना 3 बराबर आर पी क्यू होना चाहिए। अब देखिए 3 को हम लोग किससे गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा, मतलब 3 को अगर यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, 3 को 3 से गुना करेंगे तो 3 आना चाहिए, 3 को 4 से गुना करेंगे तो 4 आना चाहिए, इकाई में कम से कम 4 होना ही चाहिए। उसी तरह देखिए हम लोग इसको लिखते हैं क्यू गुना 3, यहाँ पर क्यू आना चाहिए, यहाँ पर पहले 3 लिखते हैं, देखिए 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, ठीक ना। हम लोग यहाँ पर अगर 5 से गुना करते हैं 3 5 यहाँ पर 15, ठीक ना, 15 का देखिए इकाई में क्या होता है 5, और यहाँ पर 5 आ गया है, तो यहाँ पर Q का मान 5 आ गया है। हम लोग लिख कर देखते हैं, यहाँ पर चलिए P लिख दिए, फिर Q के स्थान पर लिख देना है यहाँ पर 5, फिर 3 से गुना करना है, अब देखना है क्या आता है, 5 3 15 यहाँ पर 15 आ गया है, और देखिए 3 और P को गुना करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर 3P हो जाएगा, ठीक ना, 3P यहाँ पर देखिए P के स्थान पर 3P आ गया है, तो ये तो गलत हो जा रहा है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर और एक गौर करने वाली बात है, 3 को Q से गुना करेंगे, ठीक ना, तो हम लोग को इकाई में Q ही मिलना चाहिए, तो ठीक है चलिए, लेकिन अगर 3 को हम लोग P से गुना करते हैं तब भी देखिए इकाई में P है, मतलब 3 को अगर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 आना चाहिए और यहाँ पर P आ जा रहा है, तो 5 से काम नहीं चलेगा, हम लोग कुछ दूसरा लेते हैं। देखिए 3 को अगर हम लोग 0 से गुना करते हैं, ठीक ना, तो 0 ही आता है, ये भी एक हो सकता है, चलिए बनाते हैं, यहाँ पर अगर 0 लिख देते हैं और यहाँ पर 3 3 0 0 हो जाएगा, ठीक ना, तो Q का मान देखिए यहाँ पर 0 है और नीचे भी 0 है, तो Q बराबर 0 हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर तभी लिए थे 3 5 15 उसको P के साथ ले लेंगे, तो यहाँ पर देखिए P गुना 3
और नीचे पी आना चाहिए, और इधर आर, देखिए ये जो पी और आर, पी और आर, और इधर तो जीरो है। अब देखिए यहाँ पर लोग पी के स्थान पर पांच लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, पांच तिया पंद्रह, पांच लेंगे तो कितना हो जाएगा, पांच तिया पंद्रह। तो इसी तरह यहाँ पर देखिए क्यू का मान तो जीरो आ गया है, पी का मान पांच, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर नीचे भी पी का मान पांच ही है, और आर, आर का मान देखिए एक है। तो इस तरह क्यू, क्यू बराबर सबसे पहले जीरो लिखते हैं, अतः क्यू बराबर जीरो हो गया। उसके बाद पी, पी बराबर यहां पर जो लिखे थे हम लोग पांच, पी बराबर पांच। उसके बाद आर, आर बराबर देखिए यहां पर क्या है, एक, तो आर बराबर एक हो जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। पहले इसको हम लोग एक बार लिख कर देखते हैं, पी, पी बराबर यहां पर पांच, और क्यू बराबर हमारा जीरो था तीन। इसको गुना करके देखते हैं, यहां पर आ गया तीन शून्य शून्य, पांच तिया पंद्रह, यहां पर 150 आ गया, ठीक ना। तो देखिए क्यू बराबर जीरो, फिर पी, यहां पर पी है बराबर पांच, फिर आर, आर बराबर यहां पर एक है, तो एक। यही हो गया हमारा आंसर। अब बढ़ते हैं नौ नंबर पर। नौ नंबर का सवाल है, पी क्यू गुना छह बराबर क्यू क्यू क्यू। यहां पर चेक करना है हम लोग को कि छह से किसको गुना करेंगे, ठीक ना, छह को किससे गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा। मतलब छह को अगर हम लोग एक से गुना करेंगे तो यहाँ पर एक आना चाहिए, दो से गुना करेंगे तो दो आना चाहिए, और यहाँ पर जीरो से गुना करेंगे तो जीरो आना चाहिए। एक्चुअली में देखिए छह को अगर जीरो से गुना करते हैं तो यहाँ पर जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पर छह को अगर हम लोग फिर से पी से गुना करते हैं तो जीरो आना चाहिए, ठीक ना। अगर यहाँ पर भी पी का मान भी जीरो रख देते हैं तो यहाँ पर जीरो। तो इस तरह पी का मान जीरो और क्यू का मान बराबर जीरो, तो सब जीरो हो जाएगा। ये भी एक आंसर हो सकता है, परंतु आपका आंसर शीट में ऐसा नहीं दिया हुआ है, पी का मान जीरो नहीं लेना है, ठीक ना। हम लोग कुछ दूसरा लेते हैं, एक से नहीं बनेगा दो, दो से भी चल रहा है काम। देखिए क्यू का मान अगर दो रखते हैं तो छह दुना हो जाएगा बारह, और बारह का इकाई में दो है, लेकिन जब यहाँ पर छह को हम लोग कुछ और से गुना करेंगे, जैसे एक दो तीन चार पांच से, उसके बाद यहाँ पर दो लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर क्यू है, देखिए यहाँ पर क्यू में दो लाए हैं, यहाँ पर दो लाए हैं, तो यहाँ पर भी दो लाना पड़ेगा, और अगर दो लेते हैं क्यू का मान तब यहाँ पर प्रॉब्लम होगा, इसलिए हम लोग अब आगे बढ़ना पड़ेगा। तीन, देखिए छह का पार अगर तीन बार बोलते हैं, छह तिया अठारह, यहाँ पर तीन से गुना कर रहे हैं तो यहाँ पर भी तीन आना चाहिए, लेकिन तीन नहीं आ रहा है, यहाँ पर अठारह आ रहा है, तो हम लोग फिर से आगे बढ़ जाएंगे। चार, देखिए चार लिखते हैं, चार गुना छ, छ चौके चौबीस, देखिए चौबीस आ रहा है, ठीक ना। तो इकाई में चार है और यहाँ पर भी चार है। इस तरह ये हो सकता है कि क्यू का मान चार हो, लेकिन कंफर्म करने के लिए आगे भी हम लोग को गणित बनाना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए अगर यहाँ पर हम लोग चार रखे हैं क्यू के स्थान पर, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा पी, फिर चार, फिर यहाँ पर छ गुना, यहाँ पर सब में दो 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 आना चाहिए, ठीक ना। देखिए छह चौके यहाँ पर हो गया चौबीस, हाथ में दो। अब देखिए छह का पहाड़ा कितना बार बोले हम लोग कि यहाँ पर जो हाथ में दो है उसको जोड़कर यहाँ पर दो आना चाहिए, तो छह का पहाड़ा अगर छह चौके चौबीस, ठीक ना, छह चौके यहाँ पर चौबीस हो रहा है, चौबीस, फिर देखिए यहाँ पर दो पहले से बचा हुआ था, बस चार लिखे थे, यहाँ पर हाथ में दो था, दो को जोड़ देते हैं हम लोग तो यहाँ पर छह हो जा रहा है। तो इस तरह चार तो नहीं होगा। अब हम लोग सात से करके देखते हैं, अगर यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग सात रखेंगे, छ सत्ते बयालीस, ठीक ना, छ सत्ते बयालीस, और हाथ में दो है, उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा चौवालीस। अब देखिए हम लोग बयालीस में दो जोड़ दिए तो हो गया चौवालीस, ठीक ना, दो जोड़े हैं चौवालीस। अब देखिए चौवालीस का इकाई में भी चार है, और हम लोग को यहाँ पर चार ही लाना था, यहाँ पर क्यू है, मतलब क्यू का मान पहले चार निकाले हैं, तो यहाँ पर जो मान आएगा वो भी चार आएगा। तो इस तरह चार आ गया है, चार लिखते हैं। अब फिर से हम लोग देखिए चार बच गया है, इधर तो कुछ है नहीं, इसलिए चार को लिख देंगे। तो इस तरह देखिए यहाँ पर ट्रिपल चार हमारा आंसर आ गया है। तो पी का मान अभी हम लोग सात रखे थे, ठीक ना, यहाँ पर पी का मान सात रखे थे, तो लिखते हैं यहाँ पर सात, फिर चार, फिर छ, इसका मान सब रखे हैं हम लोग। फिर अब देखते हैं यहाँ पर ट्रिपल चार आता है कि नहीं, छ चौके चौबीस, हाथ में दो, छ सत्ते बयालीस, और दो चौवालीस,
तो इस तरह हमारा हो जाएगा आंसर, अतः पी बराबर 7, ठीक है ना, पी बराबर 7 और यहां पर क्यू है, यहां पर क्यू क्यू बराबर 4 हो जाएगा, क्यू बराबर 4, ये दोनों हो गया आंसर। अब देखिए 10 नंबर, 10 नंबर का सवाल है, क्यू पी को गुना करना है पी क्यू से, ठीक ना। तो यहां पर देखिए आंसर आना चाहिए क्यू फिर R फिर Q। तो यहां पर हम लोग सबसे पहले कुछ कुछ संख्या रखकर देखेंगे। सबसे पहले P के स्थान पर हम लोग, ठीक ना, P और Q को गुना करेंगे तो Q मिलना चाहिए। पहले P के स्थान पर हम लोग 1 रखकर देखते हैं और Q के स्थान पर 2 रखकर देखते हैं, तब देखते हैं क्या आता है। 2 एक 2, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर भी Q है, मतलब संभावना है कि ये जो हम बनाए हैं P बराबर 1 और Q बराबर 2, ये सही हो सकता है। यहाँ पर हम लोग पूरा इसको सॉल्व करके देखते हैं। चलिए पहले Q, Q के स्थान पर 2, तो पहले Q के स्थान पर 2 लिखते हैं, फिर P, देखिए P के स्थान पर 1 लिखेंगे, फिर P, P हमारा फिर से 1 हो जाएगा और Q, Q बराबर 2, यहाँ पर Q का मान 2, इसको गुना करके देखते हैं तो देखेंगे कि इकाई में हमारा Q है, ठीक ना, और Q का मान 2, तो इकाई में 2 आना चाहिए। उसके बाद दहाई में R है, यहाँ पर R होना चाहिए, उसके बाद फिर से यहाँ पर Q, मतलब यहाँ पर फिर से 2 आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर कुछ भी कोई अलग संख्या आना चाहिए। अब चलिए गुना करके देखते हैं, 12 एका 12, ठीक ना, 12 एका 12 हो जाएगा, उसके बाद 12 दूनी 24, हाथ में एक था, हो जाएगा 25। तो देखिए इकाई में 2 आ गया है, मैंने कहा था 2 आना चाहिए, और सैकड़ा में भी 2 आया है, और बीच में 5, तो आर का वैल्यू हो जाएगा 5। इस तरह हमारा हो जाएगा आंसर, अतः पी बराबर 1, फिर क्यू क्यू बराबर हो जाएगा यहाँ पर 2, फिर आर आर बराबर हो जाएगा 5, आर बराबर हो गया 5, ये तीनों हो गया हमारा आंसर। फिर अगला बढ़ते हैं अब 11 नंबर पर। 11 नंबर का सवाल है, देखिए पी क्यू को गुना करना है 6 से, तो आंसर मिलना चाहिए R 6 और 8। चलिए अब देखते हैं 6 का पहाड़ा बोलते हैं, कितना बार बोलेंगे तो इकाई में 8 आना चाहिए, ठीक ना। तो चलिए 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, देखिए 6 तिया 18, अगर हम लोग 3 से गुना करते हैं तो 18 मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 आया है, 3 को हम लोग यहाँ पर लिख कर देखते हैं, 3 गुना 6 18, ठीक ना, 18 का यहाँ पर 8 लिखे हैं और हाथ में 1 है। अब देखिए 6 का पहाड़ा बोलेंगे पी बार, मतलब एक बार अगर बोले तो 6 एका 6 और हाथ में 1 है, वो 7 बड़ा हो जा रहा है, 6 दूना 12, ठीक ना, 6 दूना 12 करेंगे तो 2 और हाथ में 1 है, उसको लेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 6 चौके 24 और हाथ में 1 है, 25 नहीं आ रहा है, इस तरह किसी में भी नहीं आएगा 6, ठीक ना। तो हमारा जो क्यू को लिए थे 3, वह क्यू को 3 लेना, ये गलत हो गया। अब आगे लेते हैं, देखिए 6 का पढ़ा बोलते हैं कितना बार बोलेंगे तो इकाई में 8 आएगा। अब देखिए 6 का पढ़ हम लोग 8 बार बोलकर देखते हैं, 6 अठे 6 अठे 48 हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग 8 आ रहा है, तो हो सकता है कि क्यू का मान 8 हो जाए, 8 से देखते हैं, 6 अठे 48, ठीक ना, 48, और यहाँ पर अभी हमारे पास हाथ में 4 है। अब देखते हैं 6 को यहाँ पर 1 से गुना करके, 6 एका 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जा रहा है, और यहाँ पर तो 0 नहीं है। अब हम लोग 2 लेकर देखते हैं, 6 दूना 12, ठीक ना, तो यहाँ पर 12 करेंगे और 4 जोड़ देंगे तो हो जा रहा है 16। यहाँ पर हम लोग 2 रखकर देखते हैं, 6 दूना 12, ठीक ना, 6 दूना 12 हो गया, और 12 में यहाँ पर जो हाथ में है उसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। देखिए यहाँ पर 6 आ जा रहा है, ठीक ना, और यहाँ पर आर का मान, यहाँ पर 16 है तो आर का मान 1 हो जाएगा। इस तरह हम लोग क्यू का मान 8 ले सकते हैं, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर पी का मान 6 दूना 12 किए थे, 2 ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं 2 और क्यू का मान 8, 8 लिखकर देखते हैं 6 से गुना करके, तो क्या आता है यहाँ पर 8 और यहाँ पर 6 आता है कि नहीं, पहले 8 और 6 लिख लेना है। अब देखिए 6 अठे 48 का 8, हाथ में 4,
दुना 12, 12 और 4 हो जाएगा 16, कच्छे फिर यहाँ पर एक। तो इस तरह हमारा अगर Q बराबर 8 लेंगे और P बराबर 2 तो 168 आ रहा है। हम लोग इसको लिख सकते हैं आंसर, अतः Q बराबर 8 और P बराबर 2 फिर R बराबर 1। लेकिन ये तो आंसर हो सकता है ठीक ना, और ये आंसर है भी, लेकिन क्या है कि आपका बुक में जो आंसर शीट है उसमें इस तरह नहीं दिया हुआ है, उसमें कुछ और है, उसको भी हम लोग बनाते हैं। ये आंसर सही है एक्चुअल में, लेकिन जो बुक में है उसको बनाते हैं। देखिए बुक में क्या लिया गया है, बुक में क्यू का मान लिया गया है 8, उसके बाद पी का मान लिया गया है 7, फिर आर, आर हमारे पास निकल गया है 4। चलिए इसको लिख कर बनाते हैं। सबसे पहले पी, P बराबर 7 है, फिर Q, Q बराबर 8 है, फिर इसको 6 से गुना करना है, और यहाँ पर 8 आना चाहिए, यहाँ पर 6 आना चाहिए ठीक ना, और यहाँ पर कुछ भी आएगा वो R का मान हो जाएगा। चलिए 6 8 48 ठीक ना, 48 का 8, हाथ में 4 है इधर, 6 7 42, 42 और 4 हो गया 46, 46 का 6 लिखा हुआ है, हम लोग 4 लिखेंगे। तो इस तरह देखिए जो आपका बुक में दिया हुआ है आंसर ये भी एक्चुअल में सही हो सकता है। क्यू का मान हमारा 8 बुक में दिया हुआ है, पी का मान 7 और आर का मान 4, तो आप इसे आंसर लिखिएगा क्योंकि आपका बुक में ये आंसर है। बट यहाँ पर हम लोग क्यू का मान 8, पी का मान 2 और आर का मान 1 निकाले, ये भी पूरी तरह से सही है ठीक ना, क्योंकि हम लोग जब पी के स्थान पर 2 लिखते हैं और क्यू के स्थान पर 8 लिखते हैं और उसको 6 से गुना करते हैं तब भी हमारा जो आंसर है वो आ रहा है, और अगर क्यू के स्थान पर 8 लिखते हैं और पी के स्थान पर 7 लिखते हैं तो भी हमारा आंसर आ रहा है। तो आपका बुक में ये वाला दिया हुआ है ठीक ना, इसलिए आपको ये वाला आंसर लिखना है, पर आंसर ये भी हो सकता है ठीक ना। तो इस तरह आज हम लोग 5.1 का कंप्लीट किए। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत हुई होगी तो मुझे कमेंट कीजिए, और इसमें हो सकता है प्रॉब्लम जो यहाँ पर 11 नंबर है इस नंबर पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, पर आपको आंसर में ये लिखना है सेकेंड वाला ठीक ना, क्योंकि बुक में आपका ये दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन चली जाए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।